शर्म करो कराहल पंचायत के जिम्मेदारों, आज कीचड़ में दंडवत करते हुए कराहल से पनवाड़ा माता दर्शन करने पहुंची महिला। खबर कराहल से है, जहां अचार वाले मोहल्ले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। आज हुआ ये कि अचार वाली बस्ती की एक आदिवासी महिला जो अन्नपूर्णा देवी में अपनी बहुत आस्था रखती है, आज सुबह वह दंडवत करते हुए अचार वाले मोहल्ले से पनवाड़ा स्थित माता मंदिर के लिए निकली, जो बस्ती में कीचड़ भरे रास्तों से उसे गुजरना पड़ा और वह महिला उस गंदगी से पूरी तरह लिपट गई। उसके सारे कपड़े कीचड़ में सन गए। जिसने भी देखा वह यही बोला कि कुछ तो करो जिम्मेदारों, मंदिरों तक पहुंचने वाले रास्ते को तो सुधरवा दो। एक तरफ प्रदेश सरकार सनातन धर्म को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर कराहल से आई ये तस्वीरें धर्म प्रेमियों की आस्था को ठेस पहुंचा रही है। सनातनियों में इस वीडियो को देखने के बाद आक्रोश पनप रहा है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि हमारी बस्ती में न तो सड़क है न ही कोई अन्य सुविधा, शिकायत करने के बाद भी समस्या का हल नहीं करवाया गया। वहीं अब इस मामले में कराहल जनपद सीओ अभिषेक त्रिवेदी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने घटनाओं को बहुत संवेदनशील माना है और सरपंच सचिव को नोटिस निकालने के साथ मोहल्ले में जल्द ही साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाने की बात कही है। कराहा से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, जो महिला कीचड़ में दंडवत दे रही है, कहीं ना कहीं सर ये लापरवाही है पंचायत प्रशासन की, क्या कहना है सर? संदेह ये मतलब ग्राम पंचायत द्वारा नाली और सीसी रोड का निर्माण नहीं किया गया, जिससे पानी भर रहा है और कीचड़ की स्थिति निर्मित हो रही है। मैं अभी सीओ जनपद पंचायत को बता रहा हूँ इस संबंध में, तो तत्काल इस संबंध में जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है और तत्काल इसमें नाली निर्माण और सीसी रोड का निर्माण कराया जाए। कहीं ना कहीं सर ये जो अपनी प्रदेश सरकार है, सनातनियों की सरकार मानी जाती है, आज सर एक जो वीडियो आया महिला अपनी आस्था से पनवाड़ा माता मंदिर जा रही है, ये वीडियो देख के सर क्या लगता है कि इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सर इन लोगों पर? ये बात सही है कि अभी तक इसमें सीसी रोड का निर्माण नहीं किया गया है, अब इसमें मैं त्वरित कार्रवाई कराने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ। शर्मा जी, आपने ये वीडियो भी देखा, क्या कहते हैं इस वीडियो को देखकर? इस वीडियो को देख के इतना कष्ट आत्मा को हुआ है। आज एक तरफ हमारी सरकार अयोध्या के लिए अरबों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि एक महिला कीचड़ में लेटती हुई अपनी आस्था तक जा रही है, जिस स्थान पर उसकी आस्था है दंडवत करती हुई जा रही है। और ये पहली बार नहीं है, मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ जो भी लोग दंडवत करके जा रहे हैं, कहीं कीचड़ में कहीं गोबर में लिपटते हुए निकलते चले जा रहे हैं। ये पंचायत जो कर रही है वो बहुत ही गलत कार्य है। कम से कम आम रास्तों को तो इतना साफ सुथरा बना देना चाहिए कराल में, जिससे आम जनता को कोई तकलीफ ना हो। बहुत ही गलत हो रहा है, कार्रवाई होना चाहिए इस पर और प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। हाँ, मैं इस वीडियो को लेके जिला कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराऊंगा, उनसे भी मुलाकात करूंगा। डॉक्टर साहब, आपने आज ये वीडियो देखा है, महिला कीचड़ में लौटती हुई मंदिर तक जा रही है, क्या कहते हैं इस वीडियो से देखकर? अभी मैंने वो वीडियो देखा है, वो महिला तेजाजी दशमी का जो मेला है उसमें पेड़ भरती हुई जा रही है, लेकिन आज उसकी दुर्दशा देखिए आप, इतनी कीचड़ में से वो इतनी बिगड़ के जा रही है बेचारी। लेकिन ये आस्था है हमारे लोगों में और ये आस्था को कमजोर किया हमारी ग्राम पंचायत ने। एक ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव और जो भी करता धरता हमारे यहाँ के, मैं तो सीओ साहब को भी इसमें लूंगा, क्योंकि सीओ साहब यहाँ मुख्यालय पर बैठते हैं, उसके बावजूद भी उनको यहाँ गंदगी नजर नहीं आती हमारे भाजपा शासन में। और ये लापरवाही, मैं कहता हूँ कि पूरा प्रशासन यहाँ से हटना चाहिए और यहाँ नया प्रशासन बैठाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हमारे यहाँ गंदगी बर्दाश्त नहीं होगी और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और सड़कें की हालत खराब है। आप ये रोड देखिए, आप पूरा रोड खराब हो चुकी है, इसके बावजूद भी हमने कई बार अवगत कराया ग्राम पंचायत में कि देखिए हमारी सड़कें खराब हैं, लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है, कीड़े हैं, सांप बिच्छू निकल रहे हैं, मच्छर खा रहे हैं, बताइए लोग बीमार हो रहे हैं, ये खा जाएंगे। हमारे प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए। मैं माननीय कलेक्टर महोदय से भी ये निवेदन करता हूँ कि वो संज्ञान में ले इस मामले को हमारे कराल के, और इन पर जो दोषी हैं उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं हम प्रभारी मंत्री जी को भी अवगत कराएंगे और एक हम आगे चल के ये कोई धरना भी प्रदर्शन भी करेंगे अगर इनमें मजबूर होना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमारे भाजपा शासन में हर जनता की सुनी जाएगी, हर गरीब की सुनी जाएगी, हर मजबूर आदमी की सुनी जाएगी। और ये हमारे इसको कलंक लगा रहे हैं हमारे कराल में, हम ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इनके खिलाफ तेज आवाज उठाएंगे और माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी को हम जरूर अवगत कराएंगे और ठोस कदम उठाकर कार्रवाई करवाएंगे। हमारी
आज की जो वीडियो मैंने देखा है वो महिला को, जितने भी हम सनातनी हिंदू धर्म है क्यों अपनाने वाले लोग हैं, आज हम शर्मसार हो गए, क्योंकि एक ग्राम पंचायत की हठ धर्मिता और उनकी तानाशाही के कारण आज एक महिला को कीचड़ में से अपने पेड़ भरते हुए अपने देवता के लिए जाना पड़ा। ये हमारे लिए शर्म की बात है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।